एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स किचन। तो आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है और ये काफ़ी अच्छा बना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो ये है तंदूरी मटन चॉप्स, जो काफ़ी इजी वे में बनता है। ये काफ़ी यम्मी है, तो आपको मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए लिया है मैंने 4 मटन चॉप के पीसेस। इसमें मैंने हल्दी, खड़े मसाले और नमक डाल के लगभग 3 सीटी में पकाया है। उसी के साथ लिया है मैंने 6 टेबलस्पून ऑफ दही। उसी के साथ लिया है मैंने 1/2 टेबलस्पून ऑफ चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, आधा नींबू। अब चटनी के लिए मैंने लिया है 2 हरी मिर्च, धनिया, पुदीना का पत्ता, अदरक और लहसुन। तो चलिए शुरू करें। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कम है और बहुत सिंपल रेसिपी है। तो मैंने लिया है मैरिनेशन के लिए चॉप के पीसेस, उसी में नमक और नींबू ऐड किया है। अब सारे ड्राई मसाले जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट के साथ ऐड कीजिए। उसी के साथ आपको ऐड करना है लगभग 5 टेबलस्पून दही। अभी इसे अच्छी तरीके से मिला दीजिए और लगभग 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। जैसे ही 30 मिनट हो जाए, आपको 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेना है। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए, तो एक एक करके आपको चॉप के पीसेस पैन में डालने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना है, तभी तंदूरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने मैरिनेटेड मटन चॉप्स के पीसेस ऐड कर दिए हैं। इसे हाई मीडियम फ्लेम पर रखना है ढककर, तब तक जब तक हमारे मटन चॉप्स बन रहे हैं, तब तक मैंने चटनी की तैयारी की। एक मिक्सी जार में मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक ले लिया है। साथ ही उसके ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून दही का, और नमक आपको डालना है एज पर टेस्ट। अब इसे ग्राइंड कीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। हमारी चटनी यानी डिप रेडी है, जो हम तंदूरी चॉप्स के साथ खाने वाले हैं। तो ये ऐसी ही क्रीमी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो आप ये एंजॉय कर सकते हैं अपने तंदूरी के साथ। तो अभी हमारी चटनी तो रेडी है, तो हम देखते हैं हमारे चॉप के पीसेस रेडी हुए या नहीं। तो जैसे ही हम लिड ओपन करते हैं, तो फ्लिप करना है आपको एक एक करके चॉप के पीसेस। तब तक पकाना है जब तक ये पानी जो एक्स्ट्रा दही के वजह से छूटा है, वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये अंदर से मॉइस्ट नहीं रहेगा। हर 5 मिनट में आपको इसे फ्लिप करना है। एक तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमें कोयले को जलाना है। इसे तब तक जलाना है जब तक ये पूरी तरीके से लाल नहीं हो जाता। अब जैसे ये लाल हो जाता है, पैन में हमें कोयला रखना है, उसके ऊपर घी डालना है और लिड को क्लोज करना है। फ्लेम को बंद रखना है, गैस चालू नहीं रखना है। इसे तब तक स्मोक पे रखना है जब तक ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ये स्मोक के वजह से हमारे जो चॉप के पीसेस है, इसमें अच्छे से तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना इजीली हमारा तंदूरी मटन चॉप्स रेडी है, बिना किसी मेहनत के। तो 5 मिनट बाद काफी स्मोक एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैंने प्लेट निकाल दिया है। सर्विंग के लिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो उसका बोन का पीस है, उसे फॉइल पेपर से रैप कर दिया है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। तो आप एक एक करके सारे पीसेस को रैप कर दीजिए और इसे एंजॉय कीजिए डिप के साथ। अब तक की ये मेरी फेवरेट रेसिपी रह चुकी है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।